हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीक स्टडी। हम ओपैम एप्लीकेशंस करेंगे आज के लेक्चर में। बेसिक्स ऑफ ओपैम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आज हम एप्लीकेशंस कवर करेंगे वो है लीनियर टाइप एप्लीकेशंस, फेज इन्वर्टर, स्केल चेंजर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, वी टू आई एंड आई टू वी कन्वर्जन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। फर्स्ट इज लीनियर एप्लीकेशन में है साइन चेंजर एंड फेज इन्वर्टर। ये बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारा इन आउटपुट है दैट इज़ द इन्वर्टेड वर्जन ऑफ योर इनपुट, यानी कि इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बट विद सम साइन चेंज। अब जो आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में हमारी एप्लीकेशन है, दिस वन, दिस इज योर इनपुट, इज यू आर अप्लाइंग इनपुट एट द नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स आपकी इन्वर्टिंग कॉन्फिग्रेशन है और ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फिग्रेशन है, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली जो नॉन इन्वर्टिंग है इसका गेन आपका क्या आता है, 1 प्लस R2 बाय R1, दैट मीन्स पॉजिटिव स्केल चेंजर, और इसका आता है R2 बाय R1। इसका स्केल चेंजिंग क्या है, स्केल क्या है, माइनस है, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव स्केल चेंजर है, ये आपका पॉजिटिव है, नॉन इन्वर्टिंग। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज बेसिकली अगेन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों ही इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अगर आपका नॉन इन्वर्टिंग है तो सिर्फ पॉजिटिव पे करते हैं, इन्वर्टिंग है तो नेगेटिव पे। अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके गेन निकालने के लिए कैसे, पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम वोल्टेज निकालेंगे। ये पॉइंट मान लो क्या है, ए है, तो ए पे जो आपकी वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस दिस आर टू रेजिस्टेंस, तो आर टू के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, आर टू बाय आर वन प्लस आर टू इंटू वी टू, तो दिस इज योर वोल्टेज एट ए। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट वोल्टेज एट बी, एंड आपने देखा है जो ए और बी है ये वोल्टेज दोनों हमारी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि इनपुट पे करंट जीरो फ्लो हो रहा है और आपकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, तो ये जो पोटेंशियल है दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम क्या कर देंगे, ए इक्वल्स टू बी। ओके, तो हम बी पे भी हम क्या लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे केसीएल, हम लिखते हैं यहाँ पे वी बी माइनस वी वन बाय आर वन प्लस वी बी माइनस वी आउट बाय आर टू इक्वल्स टू जीरो। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन प्लेस ऑफ वी बी। जब हम इस वैल्यू को वी बी की जगह रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे आउटपुट के लिए, तो हमारा जो गेन आएगा वो ये आएगा। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बस इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो और इस पॉइंट पे निकालो और दोनों को इक्वल इक्वेट कर दो। जब दोनों को इक्वल इक्वेट करोगे तो आपका आउटपुट गेन आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी, सॉरी। तो आप इजीली हर एम्पलीफायर में, हर एप्लीकेशन में ये ही चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर में भी अगेन हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। आप देख सकते हैं समिंग एम्पलीफायर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों मोड में हो सकता है, यानी कि या तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल इनपुट्स नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हो या फिर आप पॉजिटिव पे दे रहे हो। पहले हम कर रहे हैं इन्वर्टिंग पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, दिस इज ए एंड दिस ए वोल्टेज इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो हमने ये जीरो कंसिडर कर लिया। तो हम यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, अगेन जीरो माइनस वी इनपुट वन बाय आर वन प्लस जीरो माइनस वी टू बाय आर टू प्लस जीरो माइनस वी थ्री बाय आर थ्री प्लस जीरो माइनस वी आउट बाय आर एफ इज इक्वल्स टू जीरो। अगेन यहाँ पे जो वोल्टेज है सेम, यहाँ पे भी वोल्टेज है, ये तीनों पॉइंट एक पे ये सब पे जीरो है, तो हमने सिंपल वही कैसे लगा दी। अब इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो जो गेन आउटपुट आएगा आपका वो ये आएगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू वी वन वी वन प्लस आर एफ बाय आर इंटू वी टू एंड सेम थिंग फॉर थ्री। बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगेन क्या है, आपके मल्टीपल इनपुट्स हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, आप देख सकते हैं प्लस पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है, बाकी जो आपका फीडबैक जा रहा है वो नेगेटिव से जा रहा है। तो इसमें अभी आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए क्या है, आप निकाल सकते हो इजीली इसकी वैल्यू। कैसे निकालोगे,
अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वोल्टेज है आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करो, एक सुपर पोजिशन थियोरम लगा दो, वी वन इज़ वर्किंग, और जो बाकी वी टू और वी एन, वी टू टू वी वी एन तक जो वैल्यू है उनको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, इन सारी वैल्यूज को। अगर हम जीरो कंसिडर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे, तो और आर वन और आर एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो आर वन और आर एन पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम क्या कर सकते हैं, एक आर इक्वेलेंट निकाल देंगे। आर इक्वेलेंट किसके इक्वल है, आर वन पैरेलल आर एन। ओके, तो आर इक्वेलेंट के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो दैट मीन्स ये वी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, दिस वी डैश इज गिवन बाय आर इक्वेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्वेलेंट प्लस आर वन इन टू वी वन। सिमिलरली हम वी डबल डैश निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू वी टू अकॉर्डिंग टू वी एन, तो हमारे पास डिफरेंट वी डैश आ जाएंगे। अब इस वी डैश की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे वोल्टेज आ, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, दिस वी डैश इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस दिस वी डबल डैश, तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं KCL, यानी कि जीरो माइनस वी डबल डैश डिवाइडेड बाय आर ए प्लस वी डबल डैश माइनस वी नॉट बाय आर बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, बट जो हमारा वी डबल डैश होगा किसके इक्वल होगा, वी डैश के, और जो वी डैश है हम वो तीनों वोल्टेज के लिए निकालेंगे, वी वन वी टू और वी वन वी एन। मैंने तो सिर्फ वी वी वन के लिए निकाल लिया है, आप इसमें आगे प्लस ऐड करके आर इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट प्लस आर टू इन टू वी टू प्लस सेम थर्ड केस आर इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट प्लस आर थ्री इन टू वी थ्री, तो यानी कि जो आपकी वी डबल डैश होगी इसके अंदर आपकी तीनों ही वोल्टेज होंगी। तो आप इसको भी इजिली सॉल्व कर सकते हो, और आपका जो गेन आएगा, आई मीन जो वोल्टेज आएगी, दैट इज दिस। नेक्स्ट है आपका समिंग एम्पलीफायर। अब ये इस जो सेम समिंग एम्पलीफायर हम कर रहे हैं, इसी में जो हमारे दो केसेस है इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग मोड, इनमें ही अगर हम क्या करेंगे, जो इनपुट वोल्टेजेस हैं, जो आपके इनपुट्स हैं, अगर वो सेम हो जाएं, यानी कि आप देख सकते हैं ये दिस इज योर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर अगर ये जो रेजिस्टेंसेज हैं ये सारी अगर इक्वल हो जाएंगे, तो वी वन प्लस वी एन टू प्लस इन टू प्लस वी इन थ्री, तो यानी कि क्या हो रहा है, समर हो रहा है। अगर क्या हो जाएगा, आर इनपुट जो वोल्टेजेस हैं वे थ्री टाइम्स ऑफ आर एफ हो जाएंगी, तो वो कैसे काम करेगा, वी इन प्लस वी इन टू प्लस वी इन थ्री प्लस डिवाइडेड बाय थ्री, यानी कि एवरेजर की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में एज एन एडर कर रहा है अगर इक्वल हो गई, थर्ड दूसरे केस में आपका एवरेजर की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली नॉन इन्वर्टिंग के लिए होगा, अगर आर भी थ्राइस ऑफ आर ए है तो सिंपल वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अगर जो हमारा आर बी है ये थ्राइस ऑफ आर ए हो जाएगा, तो वन प्लस फोर हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल ऐड हो रही है वैल्यूज, तो एक कैसे काम कर रहा है, एडर की तरह, सेम एवरेजर की तरह हो जाएगा अगर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आप ये डिफरेंट केसेस आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एक इस पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लो और इस पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ ये हमारी वोल्टेज है वी ए, तो इस वी ए को आप क्या लिख सकते हो, वी ए कैसे निकाल सकते हो, दो इनपुट वोल्टेज आपके पास वी फोर एंड वी फाइव, तो वी फोर एंड वी फाइव के लिए पहले हम सुपर पोजिशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो वोल्टेजेस हैं, अगर एक होती तो आप इजीली कर सकते थे, लेकिन अगर दो है तो सुपर पोजिशन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल आपने वी फाइव को जीरो मान लिया है, दिस इज ग्राउंडेड फर्स्ट केस में, तो आपका क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस आर दिस आर प्लस दिस आर, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर इन टू वी फोर प्लस सेम केस आप वी इसको अगर ग्राउंड कर दो, वी फोर को जीरो कर दोगे तो अगेन क्या आ जाएगा, आर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर इन टू वी फाइव, ये आपकी क्या आ गई, वी ए आ गई, दिस इज वी ए। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इस यहाँ पे जो वोल्टेज होगी दैट इज इक्वल्स टू अगेन वी ए, तो यहाँ पे आप सिंपल केसीएल लगा दो, वी ए माइनस वी वन अपॉन आर प्लस वी ए माइनस वी टू अपॉन आर प्लस वी ए माइनस वी थ्री अपॉन आर प्लस प्लस वी ए माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ इज इक्वल्स टू जीरो। तो दैट मीन्स
इन तीनों टर्मिनल के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर. अगेन वही सिमिलर केसीएल लग गई, बस इन दोनों नोड वोल्टेज को हमें इक्वल इक्वेट करना है. तो जो भी आपका ओवरऑल वोल्टेज आएगी, दैट वोल्टेज इज इक्वल्स टू दिस. अगेन हम एक केस ले सकते हैं, जब RF अगर आपका RK इक्वल है, तो जो वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे है उनका सम माइनस जो नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है इज इक्वल्स टू दिस. तो हम इसको डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टर. सब्ट्रैक्टर इज योर जस्ट सिमिलर टू योर डिफरेंस एम्पलीफायर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसमें हमें इस पोटेंशियल पे यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल अक्रॉस R2, और उस वोल्टेज को इसके इक्वल इक्वेट कर देना है. तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे गिवन है. नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटर. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर ओपैम. इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है, जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये हमारी नेगेटिव टर्मिनल से जा रही है, और फीडबैक में हमारा एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है. मीन जो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर. तो आप जो इसका गेन है आप वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन -1/jωCR. अब जो आप ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे इसका व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे करोगे, तो आपका ओवरऑल जो गेन है ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा. इनफाइनाइट मीन्स ओपैम आपका सैचुरेशन में हो जाएगा, मीन्स नॉन लीनियर हो जाएगा. तो इस तो वो क्या करेगा, इस सर्किट का जो ऑपरेशन है उसको सीज कर देगा, वो एज एन इंटीग्रेटर की तरह काम नहीं करेगा. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फीडबैक में एक रजिस्टर लगा देते हैं, दैट इज़ RF. ओके, और जो RF फीडबैक रजिस्टर होता है उसके वजह से जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इस तरीके से हम उस RF की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट ऑफ इनपुट सिग्नल होगा दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू द RF इनटू CF. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें. नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएटर. डिफरेंशिएटर जस्ट रिवर्स ऑफ इंटीग्रेटर होता है. इंटीग्रेटर में आपका जो कैपेसिटर होता है वो फीडबैक में होता है, इसका आपका इनपुट में है. इसमें जो इसमें क्या होगा, अगेन जो आपका गेन है दे रखा है -jωCR, इसमें अब हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि सैचुरेट हो जाएगा. ये हाई फ्रीक्वेंसी पे प्रॉब्लम करेगा डिफरेंशिएट. तो अगेन ये हाई फ्रीक्वेंसी पे प्रॉब्लम ना करे. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, वो क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे जो आपका इनपुट कैपेसिटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 1/SC होती है इसकी आपकी इंपेडेंस. SC मतलब 1/jωC, यानी कि ओमेगा इज हाई, तो दैट मीन्स इन जो स्मॉल हो जाएगी इनपुट कैपेसिटेंस. तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस R1 लगा दी, और फीडबैक के CF के अक्रॉस हम एक R2 लगा दी, सॉरी RF फीडबैक रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर लगा देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो दैट इज योर डिफरेंशिएटर. नेक्स्ट है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर. आप देख सकते हैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में यहाँ पे हमारे इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन दिस वोल्टेज इज इक्वल्स टू दिस वोल्टेज. तो यानी कि जो करंट यहाँ IN फ्लो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू IL. तो ये आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे KVL लगा दो, यानी कि इस वाली नोड पे क्या है, Vin है, Vin माइनस 0/R प्लस Vin माइनस RL बाय V0, सॉरी Vin माइनस V0 बाय RL. तो जो ये वाला करंट है दैट इज व्हाट, IL करंट, लोड करंट. तो लोड करंट किसके इक्वल हो जाएगा, Vin बाय R. तो ये आपकी एक्सप्रेशन है. तो आप देख सकते हैं इट इज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी कि जो आउटपुट आई लोड करंट है उसको कंट्रोल कर रहा है. नेक्स्ट है, इसमें दो केसेस हैं. फर्स्ट हमारा विद फ्लोटिंग लोड है. विद फ्लोटिंग लोड का मतलब क्या है, जो आपका RL लोड है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब इसके अक्रॉस कोई भी ग्राउंड नहीं है, दो पोटेंशियल के बीच ही आपका फ्लोट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं विद फ्लोटिंग. नेक्स्ट है विदाउट फ्लोटिंग, यानी कि एक जो आपका लोड है उसका एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है. तो अब यहाँ पे भी आप डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हो. यहाँ पे आप एक नोड पे वोल्टेज निकाल लो, इस नोड पे भी वोल्टेज निकाल लो, दोनों को इक्वल इक्वेट कर दो. तो जो आपका यहाँ पे लोड करंट आएगा दैट इज़ गिवन बाय Vin/R1. ये आपको खुद से करना है. अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन. ये बहुत ईजी है. इनपुट पे हमने करंट सोर्स लगा दिया है, तो मीन से सारा करंट किसके थ्रू फ्लो होगा, R के थ्रू, एंड डायरेक्शन इज माइनस ऑफ IN R. तो ईजिली, एंड इट कैन बिहेव एज अ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. इनपुट इज करंट, सो ऑब्वियसली करंट कंट्रोल्ड. नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. आज के लेक्चर के लिए इतना ही फ्रेंड्स. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अगर आपको हमारा लेक्चर आज पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल. थैंक यू.